अब वो समय नहीं रहा जब घर की चार दीवारों तक ही महिलाएं सीमित रहती थी। आज की ये महिलाएं घर की दहलीज लांघकर नए भारत के निर्माण में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर हर फील्ड में आगे बढ़ रही है, तरक्की कर रही है। खुद का व्यवसाय शुरू करना हो तो यहाँ भी महिलाएं कुछ कम नहीं हैं। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि महिलाओं की सफलता और उनके आत्मनिर्भर बनने के पीछे सरकार की योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज हम आपको ऐसी ही एक महिला के बारे में बताएंगे जिन्होंने सरकार की योजना का लाभ लेकर स्वयं का रोजगार स्थापित किया और आज समाज में सम्मान के साथ अपना जीवन और अपना व्यापार कर रही। दरअसल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत खरगोन जिले के मंडलेश्वर में रहने वाली एक घरेलू महिला अंजलि पति प्रकाश लश्करे अगरबत्ती बनाकर अब आत्मनिर्भर बन चुकी है, साथ ही कई लोगों को रोजगार भी दे रही है। अंजलि का कहना है कि उन्होंने वर्ष 2022 में शासन की इस योजना के तहत लोन लिया। स्वरोजगार के लिए उन्हें 1,50,000 रुपये का लोन मिला। लोन की इस राशि से उन्होंने अपने ही घर में अगरबत्ती बनाने का कारखाना खोला। शुरुआत में उन्होंने 2 मशीनें खरीदी और इंदौर से रॉ मटेरियल लाकर अगरबत्ती बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा होने लगा। इसी मुनाफे से उन्होंने 4 और मशीनें खरीद ली। अब अंजलि के परिवार के सदस्य भी उनके साथ अगरबत्ती बनाने में जुटे हुए हैं। कारोबार बढ़ने से अंजलि ने 4 से 5 लोगों को रोजगार भी दिया है जो उनके साथ अगरबत्ती बनाने, पैकेजिंग सहित अन्य काम करते हैं। अंजलि का कहना है कि सारे खर्च निकलने के बाद भी उन्हें हर महीने 20,000 रुपये से ज़्यादा की आमदनी मिल जाती है। आपको बता दें कि पहले अंजलि और उनका परिवार मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चलाते थे। उनके पति प्रकाश लश्करे गांव-गांव घूमकर कपड़े बेचते थे जिससे घर खर्च चलना मुश्किल था। लेकिन जब उन्होंने अगरबत्ती का कारखाना शुरू किया तब से उनकी जीवन दशा ही बदल गई और आज उनके पति भी अब कपड़े बेचना बंद कर चुके हैं। अंजलि के साथ ही वे भी घर में अगरबत्ती बनाते हैं और अब दोनों मिलकर काम करते हैं। शासन से हमारे को 1.5 लाख का लोन मिला था, स्वरोजगार योजना नगर पालिका से मिला था मैडम से। बहुत बढ़िया भी कारखाना भी चल रहा है, व्यवसाय हमारा बढ़ गया है, उसमें आमदनी भी अच्छी हो रही। दो हमारे पीछे दो दूसरे लोगों को भी रोजगार मिल रहा है, उनका भी घर व्यवसाय बढ़िया चल रहा है। क्या कारखाना है? अगरबत्ती का कारखाना चल रहा है, मशीनें तो बढ़िया तरीके से चल रही है। सरकार की तरफ से जो आर्थिक सहायता मिली है उससे बहुत बढ़िया काम चल रहा है हमारा। कितनी मशीनें हैं अभी और कुल कितने लोगों को रोजगार मिला? पहले हमारे पास एक ही मशीन थी, अब लोन लेने के बाद हमने 4 मशीनें ली, उससे दूसरे लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। क्या कैसे बनाते हैं अगरबत्ती यहाँ पे? मशीनों से हाथ से मशीनें चलाते हैं, एक लेबर एक ही मशीन चला लेता है, बढ़िया से मशीनें चलती है। क्या कच्चा मटेरियल लेके आते हैं? कच्चा मटेरियल इंदौर से ही लाते हैं और इंदौर ही देते हैं, बना हुआ भी इंदौर ही देते हैं। महीने में कितनी आमदनी हो जाती है? महीने में 15,000 से 20,000 रुपये आमदनी हो जाती है, जिसमें लेबर का भी 6 से 7 हज़ार रुपये लेबर का भी हो जाता है। दीपक पांडे, लोकल 18, खरगोन।